हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ यादव मुकेश राज और आप देख रहे हैं एमजी एडिट जॉन। सो गाइस, आज के एडिटिंग में हम लोग कुछ ही स्टेप से ग्रे एंड येलो टोन में फोटो एडिटिंग करना सीखेंगे लाइटरूम एप्लीकेशन की सहायता से, और भी बहुत ही आसान तरीके से। तो गाइस, आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसा ट्रिक एंड स्टेप बताऊंगा जिसकी सहायता से आप भी अपनी फोटो में कुछ ही स्टेप से टोन आसानी से दे सकते हैं। तो गाइस, इस एडिटिंग को सीखने के लिए वीडियो को पूरा देखना है। हमारे चैनल में नहीं हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि हमारे ऐसे ही एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। ओके गाइस, तो चलिए एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम अपने लाइटरूम एप्लीकेशन ओपन करेंगे एंड ओपन हो जाने के बाद प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे एंड अपनी गैलरी से एक फोटो ऐड करेंगे जिस फोटो को हमें एडिटिंग करनी है। जैसे मैं अपनी गैलरी पे आ गया हूँ एंड यहाँ से कोई भी एक फोटो को लेता हूँ। जैसे मैं इस वाले फोटो को लेता हूँ एंड ऐड पे क्लिक कर देंगे। फ्रेंड्स, हमारी फोटो लाइटरूम ऐड हो चुकी। ऑल फोटोज पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर हमारे फोटो इस पे क्लिक करेंगे। सो गाइस, हमारी फोटो लाइटरूम एप्लीकेशन में ओपन हो चुकी एंड एडिटिंग ऑप्शन आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे फर्स्ट में जाएंगे हम कलर टूल पे, इस वाला आइकन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से टेम्परेचर की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। तो गाइस, टेम्परेचर की वैल्यू को ज़्यादा नहीं, यहाँ से करेंगे हम प्लस 4 एंड यहाँ से टिंट की वैल्यू को भी हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो टिंट की वैल्यू को भी यहाँ से करेंगे हम प्लस 4 एंड यहाँ से वाइब्रेंस की वैल्यू को भी इंक्रीज करेंगे। तो गाइस, वाइब्रेंस की वैल्यू को हम थोड़ा सा ज़्यादा ही बढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को करेंगे हम प्लस 20 एंड नेक्स्ट जाते हैं मिक्स टूल पे, इस वाला आइकन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर सबसे फर्स्ट में रेड टोन है। तो गाइस, रेड टोन की लुमिनेंस की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे ताकि जो हमारी स्किन में रेड टोन है और यह हाईलाइट लगे, यानी कि हमारी स्किन टोन ब्राइट लगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू यहाँ से कर देंगे हम प्लस 20 एंड यहाँ से जाएंगे हम सेकेंड वाले ऑरेंज कलर पे एंड ऑरेंज कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को भी इंक्रीज करेंगे ताकि जो हमारी स्किन टोन है वो थोड़ा और ब्राइट लगे। तो गाइस, अपनी स्किन टोन को आपको जितनी ब्राइट करना है उतना ही इसकी वैल्यू को आप अधिक रख सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसकी वैल्यू को करता हूँ प्लस 61 एंड नेक्स्ट जाते हैं येलो कलर पे एंड येलो कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी ह्यू की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। तो गाइस, इसकी वैल्यू को करेंगे हम प्लस 21 एंड यहाँ से इसकी सैचुरेशन की वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो सैचुरेशन की वैल्यू यहाँ से करेंगे हम प्लस 80 एंड यहाँ से इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को भी इंक्रीज करेंगे ताकि जो हमारी फोटो है उसमें हमारी येलो एरिया है वो थोड़ा हाईलाइट लगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को करेंगे हम प्लस 40 एंड नेक्स्ट जाते हैं ग्रीन कलर पे एंड ग्रीन कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी ह्यू की वैल्यू को कर देंगे हम माइनस 100 एंड यहाँ से इसकी सैचुरेशन की वैल्यू को कर देंगे हम प्लस 100 एंड यहाँ से इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को भी इंक्रीज करेंगे ताकि जो हमारी फोटो में ग्रीन एरिया है वो थोड़ा और हाईलाइट लगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को करेंगे हम प्लस 61 एंड नेक्स्ट जाते हैं सियान कलर पे एंड सियान कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी ह्यू की वैल्यू को हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इसे रखते हैं माइनस 100 एंड नेक्स्ट जाते हैं ब्लू कलर पे एंड ब्लू कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी सैचुरेशन की वैल्यू को कर देंगे हम माइनस 100 ताकि जो हमारी मॉडल का क्लोथ है नीचे का वो कलरलेस हो जाए ताकि हम आसानी से अपनी फोटो में ग्रे टोन डाल पाएँ। ठीक है, एंड यहाँ से इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे, तो इसे रखते हैं प्लस 14 एंड ऊपर से कर देंगे डन। अब हमारी फोटो में हम ग्रे टोन डालेंगे, तो उसके लिए जाएंगे हम यहाँ पर, देखिए ग्रेडिंग का ऑप्शन है, इस वाला आइकन पर हमें क्लिक करना है एंड यहाँ से जाएंगे हम थर्ड वाले ऑप्शन पे जो कि है हाईलाइट का ऑप्शन। तो गाइस, इस पर क्लिक करेंगे एंड अपनी फिंगर की सहायता से फिंगर को स्लाइड करते हुए इसकी ह्यू एंड सैचुरेशन को अपनी फोटो में परफेक्ट रूप से मिलाने का कोशिश करेंगे जैसे मैं मिला रहा हूँ। ठीक है, तो गाइस इसकी ह्यू है 227 एंड सैचुरेशन है 30 एंड यहाँ से इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को भी इंक्रीज करेंगे ताकि जो हमारी फोटो की शाइनिंग है वो थोड़ा और ज़्यादा लगे, तो इसे रखते हैं प्लस 16 एंड यहाँ से ब्लेंडिंग की वैल्यू को भी इंक्रीज करेंगे। तो गाइस, ब्लेंडिंग की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम प्लस 65 एंड यहाँ से वायलेंस की वैल्यू को भी इंक्रीज करेंगे ताकि जो हमारी फोटो है उसमें हमें परफेक्ट रूप से ग्रे टोन मिल पाए। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को करेंगे हम प्लस 34 एंड ऊपर से कर देंगे डन। अब हमारी फोटो की लाइटिंग को हम परफेक्ट रूप से सही करेंगे, तो उसके लिए जाएंगे हम लाइट के ऑप्शन पे, इस वाला आइकन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से कॉन्ट्रास्ट की वैल्यू को हम थोड़ा सा माइनस करेंगे ताकि जो हमारी स्किन टोन में डार्क टोन है वो थोड़ा हटे। ठीक है, तो इसे रखते हैं माइनस 19 एंड यहाँ से हाईलाइट्स की वैल्यू को हम माइनस करेंगे ताकि जो हमारी फोटो है उज्जवल है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को करेंगे हम माइनस 31 एंड यहाँ से शैडोज़ की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे ताकि जो हमारी फोटो में ब्लैक एरिया है वो थोड़ा वाइट लगे, तो इसकी वैल्यू यहाँ से कर देंगे हम
प्लस 42। सो गाइस जो हमारी फोटो है वो काफ़ी अच्छी एडिटिंग हो चुकी है, लेकिन इसे हम और बेटर बनाएंगे। तो उसके लिए जाएंगे हम इफेक्ट को ऑप्शन पे, इस वाला आइकन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से टेक्सचर की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। तो गाइस टेक्सचर की वैल्यू यहाँ से करेंगे हम प्लस 12 एंड यहाँ से क्लैरिटी की वैल्यू हम माइनस करेंगे, ठीक है। तो क्लैरिटी की वैल्यू यहाँ से करेंगे हम माइनस 14 एंड यहाँ से डीएच की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे ताकि जो हमारी फोटो है उसमें हमें HDR इफेक्ट मिले। तो गाइस इसकी वैल्यू को करेंगे हम प्लस 10 एंड यहाँ से वीनेट की वैल्यू को हम थोड़ा सा माइनस कर देंगे। तो फ्रेंड्स वीनेट की वैल्यू को करेंगे हम माइनस 25 एंड यहाँ से मीड पॉइंट की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। तो गाइस मीड पॉइंट की वैल्यू यहाँ से करेंगे हम प्लस 60। अब हमारी फोटो को हम स्मूथ करेंगे, तो उसके लिए जाएंगे हम डिटेल को ऑप्शन पे, इस वाला आइकन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से शार्पनिंग की वैल्यू हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो इसे रखते हैं प्लस 14 एंड यहाँ से नॉइस रिडक्शन की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे ताकि जो हमारी फोटो है और फट एंड स्मूथ रहे। तो इसे रखते हैं 26 एंड यहाँ पर नीचे आते हैं, यहाँ पर है कलर नॉइस रिडक्शन एंड यहाँ से इसकी भी वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे ताकि जो हमारी फोटो का बैकग्राउंड है वो भी परफेक्ट रूप से स्मूथ रहे। तो फ्रेंड्स हमारी फोटो फाइनली एडिटिंग हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं बिफोर हमारी फोटो ऐसी थी एंड आफ्टर कुछ इस टाइप से। तो गाइस आप लोग को जूम करके दिखा देता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं हमारी फोटो काफ़ी अच्छी एडिटिंग हो चुकी है। अगर गाइस आप लोगों को एडिटिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स इस फोटो को सेव करने के लिए हमें शेयर का ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड सेव्ड डिवाइस पे क्लिक कर देंगे, हमारी फोटो सेव हो जाएगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक।